हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, मैंने आपको इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प देगी। ये वीडियो ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोस आपको दे दी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है आई इज़ अ बॉय, ये एडिटिंग है ना, एडिटिंग में आपकी ये काफ़ी रूल्स काम आ जाएंगे और जो आपके करेक्ट फॉर्म और वर्ब आ रही है उसमें काम आ जाएंगे। नरेशन की मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बना दी है और मोडास, देखो अगर आप मेरी कोई वीडियो ढूंढना भी चाहते हैं ना तो उस टॉपिक को लिखने के बाद चैनल का नाम लिख दो, क्लास 9 एएससी स्टार्टर लिख दो या एएससी स्टार्टर लिख दो, ठीक है, तो आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप चैनल में जाके देख लेना। जैसे यहाँ पर इज़ है तो यहाँ पर आना चाहिए एम, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा ही इज़ अ बॉय विच इज़ माई ब्रदर, तो इंसान के लिए हु लगाते हैं तो यहाँ पर हु आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉय है तो यहाँ ब्रदर्स लिखा है तो यहाँ ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। ये एडिटिंग है, रूल देखो, मैंने तो एग्जांपल के तौर पर वो लिखा था, ठीक है। अगर यस्टरडे, एगो या लास्ट लिखा आ जाता है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, नहीं तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये 9th 10th हर बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेली, रेगुलरली, एवरी, ईच या टूडे आ जाता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। जनरली यही सब लगता है। नाउ और दीज डेज आ जाए तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ऑलरेडी, ट्वाइस, थ्राइस ये कंप्लीशन को दर्शाते हैं कि काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। और जब आप ग्रामर करेंगे ना तो ध्यान से करेंगे ना इसको तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। आप फोर्थ और फिफ्थ भी बना सकते हैं, जैसे आपने आईएनजी लगा लिया या सिंगुलर के साथ, जैसे सिंगुलर आता ना तो आपने एस लगा लिया, ठीक है। तो पांचवे रूल में टुमारो या नेक्स्ट डे आता है तो विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर डिग्री है तो द लिखा है तो थर्ड डिग्री आएगी, थर्ड डिग्री लिखी तो द आएगा। जैसे यहाँ पर द लिखा तो थर्ड डिग्री, आपने एडजेक्टिव में पढ़ी होंगी ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ा होगा आपने, गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ा होगा आपने। ऐसे अगर बिफोर आ जाए तो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आफ्टर लिखा आ जाएगा तो बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। देखिए, जब टू लगता है तो 99% जो होते हैं वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, और अगर फोर लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। और देखिए, मेल है तो ही और हिज ध्यान रखना है, फीमेल है तो शी और हर ध्यान रखना है, मतलब इस तरीके से भी मिस्टेक आ जाती है। ये वाली काफ़ी मिस्टेक आ रही है, देयर और देयर वाली, ऐसी कोई और भी आ सकता है, इस देयर का मतलब वहाँ और इस देयर का मतलब उनका होता है। बाकी आपको टेंसेस और जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव है ये आपको पता होने चाहिए। और टेंस में पास्ट है तो कोशिश करो पास्ट में बताओ। देखिए, छोटे मोटे ही रूल लिखे हैं, ठीक है, तो आप और भी जहाँ सबको मटेरियल मिले वहाँ सब करना। जैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर उससे पहले मोडास लिखा है तो, ठीक है, और अगर मोडास लिखा है और उसके बी लिखा हुआ है तो आपको ये याद रखना है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड छोटी सी वीडियो थी, एक आधा और बता देता हूँ मैं। देखिए, जैसे सिंस
या फोर लिखा आ जाता है तो उससे पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होता ना, जैसे जैसे एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हमें उसको लगाना पड़ता है हैज़ बीन वर्ब की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में बोल देता हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जो है फुटबॉल या गेम जो भी आप खेल रहे हैं वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंस और फॉर में आपको पता होना चाहिए अंतर कि सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला मंडे तो सिंस लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला 2 डेज तो फॉर लगाएंगे। जो निश्चित है वह सिंस, जो अनिश्चित है वह फॉर लगाएंगे, ठीक है। मैंने बोला 1995 तो सिंस लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ, 10 ईयर से, तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और पैसेज वगैरह अच्छे से करना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना कितने मिनट किस क्वेश्चन पर देने हैं, तो वो आप अच्छे से उसको उसी में बैलेंस बना के चलना, ठीक है। और पोएम में पोएट के नेम कर लेना, सेंट्रल आइडिया एक बार पढ़ लेना कि ये हर पोएम हमें क्या शिक्षा दे रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।